गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, कल हमने प्राइम मिनिस्टर की पावर्स के रिगार्डिंग डिस्कस किया था कि प्राइम मिनिस्टर की क्या क्या पावर्स होती हैं। ओके, और उसमें हमने कई बार पढ़ा था, एक वर्ड पढ़ा था काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, कि हमने पढ़ा था कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होता है उसे प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, लेकिन किसकी एडवाइस पर? प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के रिगार्डिंग हमने थोड़ा सा डिस्कस भी किया था। आज हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के रिगार्डिंग डिटेल में डिस्कस करेंगे कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होती क्या है। ओके स्टूडेंट्स, तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। देखिए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। While appointing the Council of Minister, he has to keep in mind that all the major communities and geographical regions of the country find a representation in the ministry. देखिए, जब भी जो Council of Minister को appoint किया जाता है तो Prime Minister को ये चीज़ अपने mind में रखनी पड़ती है कि भाई उसमें हमारे यहाँ पर जितने भी communities हैं, diverse communities के लोग जो leaders हैं उनको उसमें शामिल किया जाए, और इसके अलावा अलग अलग जो एरिया के जो लीडर्स हैं उनको भी इसमें शामिल किया जाए, उनको भी मिनिस्ट्री दी जाए। अदरवाइज ऐसा नहीं होगा तो जो उनकी गवर्नमेंट है वो नहीं बन पाएगी, लोग उससे अलग हो जाएंगे जो मिनिस्टर्स हैं। ऑल मिनिस्टर्स मस्ट बी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। दूसरी चीज़ कि जितने भी मेंबर्स जो होते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के, वो सभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, यानी कि चुनाव जीते हुए हों। If a non member of is appointed as a minister, यदि मान लो कोई member है, चुनाव लड़ा, चुनाव में हार गया, तो उसका member नहीं है, अगर उसको minister बनाया जाता है, he either has to be elected or nominated to either house of the parliament within 6 months। तो उसे 6 महीने के अंदर अंदर, 6 months के अंदर अंदर किसी ना किसी एक जो house है उसका member बनना होगा, या तो लोकसभा का member बने या राज्यसभा का। अगर वो 6 महीने के अंदर नहीं बन पाता है तो उसे अपनी पोस्ट छोड़नी पड़ेगी। द कॉन्स्टिट्यूशन 91st अमेंडमेंट एक्ट लिमिट्स द साइज ऑफ यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू 15% ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन में 91st अमेंडमेंट होता 2003 में, जिसमें ये कहा था कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के मेंबर्स की जो संख्या है वो 15% होगी, यानी कि टोटल लोकसभा के जो मेंबर्स हैं उसका 15% होगी। ओके, मिनिस्टर्स आर क्लासिफाइड इन 3 रैंक्स। अब देखिए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में 3 तरह के मिनिस्टर्स होते हैं, 3 रैंक के मिनिस्टर्स होते हैं। सबसे पहले आता है कैबिनेट मिनिस्टर्स। कैबिनेट मिनिस्टर्स यानी कि जो सबसे पावरफुल मिनिस्टर्स होते हैं। दूसरा आता है मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट, राज्य मंत्री, यानी कि कैबिनेट मिनिस्टर्स के नीचे की रैंक है। और थर्ड आता है डेप्टी मिनिस्टर, जो कि सबसे लोअर रैंक होती है। तो देखिए, कैबिनेट मिनिस्टर्स क्या होते हैं, दीज आर हेड ऑफ पोर्टफोलियो और डिपार्टमेंट्स। कि जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं इन्हें कोई ना कोई डिपार्टमेंट, कोई ना कोई पोर्टफोलियो दे दिया जाता है। ये एजुकेशन मिनिस्टर हो गया, ये हेल्थ मिनिस्टर हो गया, तो ये जो चीज़ें हैं ये कैबिनेट मिनिस्टर्स को दी जाती है। देखिए, इसमें दिखा रखा है होम मिनिस्टर हो गया, डिफेंस मिनिस्टर हो गया, ठीक है, एजुकेशन मिनिस्टर हो गया, फॉरेन मिनिस्टर हो गया, ये सारे कैबिनेट लीडर्स होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं। ओनली दीज आर एंटाइटल्ड टू अटेंड मीटिंग्स ऑफ द कैबिनेट। और जब भी कैबिनेट की मीटिंग होती है तो उसमें सिर्फ यही कैबिनेट जो मिनिस्टर्स हैं वही उसमें हिस्सा लेते हैं। तो कैबिनेट मिनिस्टर्स जो हैं वो सबसे पावरफुल है, जितने भी मेजर डिसीजंस लिए जाते हैं वो सभी कैबिनेट मिनिस्टर्स के लिए द्वारा लिए जाते हैं। सेकेंड रैंक के मिनिस्टर्स होते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट, दे आर नॉट मेंबर ऑफ द कैबिनेट। कि ये कैबिनेट के मेंबर्स नहीं होते। दे मे और मे नॉट बी गिवन एन इंडिपेंडेंट चार्ज ऑफ ए मिनिस्ट्री। कि कई बार तो इन्हें क्या होता है, इंडिपेंडेंट किसी उसका डिपार्टमेंट का हेड बना दिया जाता है। दे अटेंड कैबिनेट मीटिंग्स ओनली वेन इन्वाइटेड। ये कैबिनेट मीटिंग्स को तभी अटेंड करते हैं जब इन्हें इन्वाइट किया जाए, अदरवाइज ये उसमें मीटिंग में हिस्सा नहीं ले सकते। थर्ड रैंक आ गए डेप्टी मिनिस्टर्स। ये जूनियर मिनिस्टर्स होते हैं, जो कि सीनियर जो मिनिस्टर्स हैं यानी कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट या कैबिनेट मिनिस्टर्स, उनको असिस्ट करते हैं, यानी कि उनकी हेल्प करते हैं। तो ये 3 तरह के मिनिस्टर्स ध्यान रखिएगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में, एक होता है कैबिनेट मिनिस्टर्स, एक मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट, और थर्ड है डेप्टी मिनिस्टर्स। ओके, अब देखिए कैबिनेट और काउंसिल में क्या डिफरेंस आया, कि कैबिनेट मिनिस्टर्स क्या होते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, दोनों में क्या डिफरेंस है।
काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज ए कॉम्प्रिहेंसिव टर्म, कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एक बड़ी टर्म है जिसमें कि ज़्यादा मिनिस्टर्स होते हैं, मैंने बताया था 80-90 यानी कि 15% के आसपास। वाइल कैबिनेट इज जस्ट लाइक द इंटरनल कमेटी ऑफ इट, और जबकि कैबिनेट जो मिनिस्टर्स होते हैं वो उसी का एक इंटरनल पार्ट है, कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में ही से ही कुछ कैबिनेट मिनिस्टर्स बनाए गए। सेकेंड है ऑल द मेंबर्स मिनिस्टर्स आर मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, कि जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं वो सभी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के मेंबर्स होते हैं। वाइल कैबिनेट इंक्लूड ओनली इफेक्टिव और एक्सपीरियंस मिनिस्टर्स, और कैबिनेट में केवल एक्सपीरियंस्ड और इफेक्टिव यानी कि जो थोड़े पावरफुल थोड़े इफेक्टिव इम्प्रेसिव वो मेंबर्स होते हैं उन्हीं को ही कैबिनेट मिनिस्टर बनाया जाता है। द स्ट्रेंथ ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज 60-65, कि 60-65 होती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, 15% आप ले लो, 15% का अगर आप माने तो लगभग 80% ज़्यादा रहता है, 80-90, जबकि कैबिनेट मिनिस्टर्स केवल 15-20 होते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मीट्स रेयरली, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बहुत रेयरली मिलते हैं, रेगुलर नहीं मिलते, जबकि कैबिनेट मिनिस्टर्स रेगुलर मिलते हैं। इसका एक थर्ड पॉइंट और देखिएगा, सी द मेंबर्स ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डू नॉट मेक पॉलिसीज, कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कोई पॉलिसीज नहीं बनाते, जितने भी जो पॉलिसीज बनाई जाती हैं वो सभी कैबिनेट मिनिस्टर्स के द्वारा बनाई जाती हैं। तो ये एक दोनों में डिफरेंस है कि वो एक बड़ी टर्म है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये एक छोटी टर्म है। इसमें लगभग 15% 80-90 मिनिस्टर्स होते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, उसमें केवल 15-20 पॉलिसीज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नहीं कैबिनेट मिनिस्टर्स बनाते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग रेयरली होती है और कैबिनेट मिनिस्टर्स रेगुलर होते हैं। इसके बाद आता है फंक्शंस ऑफ द कैबिनेट, कि कैबिनेट जो मिनिस्टर्स होते हैं उनके क्या फंक्शंस है। देखिए द कैबिनेट फॉर्म्स द की इंटरनल एक्सटर्नल पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट, कि कैबिनेट मिनिस्टर जो होते हैं वो गवर्नमेंट की इंटरनल और एक्सटर्नल पॉलिसीज को बनाते हैं। देर इज़ नो स्फीयर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन लेफ्ट अनटच्ड बाय द कैबिनेट, कि कोई भी ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन का कोई भी ऐसा पार्ट नहीं है जिसको कि कैबिनेट से बचा हुआ हो। आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ पॉलिसीज, पॉलिसी बनाने के बाद द कैबिनेट वर्क्स ऑन इम्प्लीमेंटिंग दैम एज मिनिस्टर्स आर ऑल्सो हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स, कि कोई पॉलिसी बना दी फिर कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं उनको इम्प्लीमेंट करते, क्यों, क्योंकि वो भी किसी ना किसी एक डिपार्टमेंट के हेड होते। मान लो हेल्थ से मिलकर कोई वो बनाई गई, हेल्थ के रिगार्डिंग कोई पॉलिसी बनाई गई, अब उसे इम्प्लीमेंट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, हेल्थ मिनिस्टर की है। द कैबिनेट गाइड द वेरियस डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड कोऑर्डिनेट देयर एक्टिविटीज़, तो कई डिपार्टमेंट्स होते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के, उनको वो गाइड करते हैं और उनकी एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट करते हैं। की फॉरेन पॉलिसी डिसीजंस आर मेड बाय द कैबिनेट, कि मेजर डिसीजंस जो है वो सभी फॉरेन पॉलिसी के रिगार्डिंग कैबिनेट के द्वारा लिए जाते हैं। विच इंक्लूड अपॉइंटमेंट ऑफ डिप्लोमेट, जिसमें क्या क्या आता है, डिप्लोमेट दूसरे देशों में जो राजदूत होते हैं उनको अपॉइंट करना है, कोई ट्रीटीज साइन करनी है, संधि साइन करनी है, या वॉर एंड पीस के रिगार्डिंग कोई डिक्लेरेशन होता है, मीन जितना भी जो इम्पोर्टेंट काम है, मेजर काम है, मेजर डिसीजन है, वो सभी कैबिनेट के द्वारा लिए जाते हैं। इसके बाद आता है कैबिनेट कैरीज आउट 80% ऑफ द लेजिस्लेशन, कि 80% ऑफ लेजिस्लेशन का यानी कि कानून बनाने का काम है वो कैबिनेट करती है। मोस्ट ऑफ द बिल इन पार्लियामेंट, स्पीच ऑफ द प्रेसिडेंट, डिसीजन एंड ऑर्डिनेंस एटसेट्रा आर टेकन बाय प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ कैबिनेट, कि कोई भी बिल्स है पार्लियामेंट में, स्पीच है प्रेसिडेंट की, या कोई डिसीजन है या कोई ऑर्डिनेंस है, ये सभी प्रेसिडेंट जो लेता है वो किसकी एडवाइस पर, कैबिनेट की एडवाइस पर, यानी कि कैबिनेट जो है वो प्रेसिडेंट को एडवाइस बहुत अधिक देती है। इसके बाद आता है रिलेशन बिटवीन कैबिनेट एंड प्रेसिडेंट, कि कैबिनेट और प्रेसिडेंट के बीच में रिलेशन, देखिए प्रेसिडेंट जितने भी काम करता है हमने बताया था कि वो सारे काम एडवाइस पे करता है, किसकी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का कहने का मतलब कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में मेजर डिसीजंस कौन लेता है, कैबिनेट, तो यानी कि प्रेसिडेंट जितने भी काम करता है वो कैबिनेट की एडवाइस पर करता है। देखिए इंडिया हैज़ ए पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी,